कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में इनोवेटिव फार्मर्स का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें कई पद्मश्री किसानों ने भी शिरकत की। पद्मश्री किसानों ने अपनी बातें रखी और सरकार से कई मांगे भी की। 1980 में भी खेती शुरू की और 1998 में मैंने बेबिकॉर्न की खेती शुरू की। बेचने में दिक्कत आई तो 2009 में पहली इंडस्ट्री लगाई और उसको प्रोसेस करके बेचना शुरू किया। इंडस्ट्री छोटी पड़ी, 2012 में दूसरी लगाई, 2016 में तीसरी और 2019 में चौथी इंडस्ट्री लगाई, जिसमें हमने अपने किसानों को मिनिमम गारंटी मूल्य देना शुरू कर दिया चार फसलों का, जिसमें बेबिकॉर्न, स्वीटकॉर्न, मशरूम और टमाटर थे। मैं मानता हूं कि देश में प्रोसेस इंडस्ट्री का एक बड़ा महत्व है किसानों की आमदनी बढ़ाने में, और ऐसी सरकार की योजनाएं भी है जिस जिले में जहां जहां जो उत्पादन होता है वहां उसकी प्रोसेस की इंडस्ट्री लगनी चाहिए। मेरे सामने कर्नल देसवाल जी बैठे हैं, मैं इनको देख रहा हूं कि गाजर की खेती करते हैं और वहां से प्रोसेस यूनिटों को सप्लाई भी करते हैं और अपना प्रोसेस का काम भी करते हैं, तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। इसी तरह के प्रयोग देश भर में होना चाहिए। फसल का जो अवशेष का प्रबंध भी हम करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री में जो गन्ने की पत्ती होती है और साथ में जो पराली होती है उसके बंडल बनाकर मशीनें आई हुई आजकल, और मशीनें बनाकर उसको बॉयलर में ईंधन की जगह फसल अवशेष को जलाने का काम हम करते हैं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाती है। उससे कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा छोटे छोटे जो मैंने सीखा है। एक तो जब किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्य जो मेरे मन में जो बातें आई है वे दो तीन चीजें हैं। एक तो रसायन मुक्त खेती की ओर ध्यान दिया जाए। एकदम नहीं है कि एकदम रसायन मुक्त खेती करने शुरू कर दे हम, ऐसे नहीं, इसके ऊपर शोध किया जाए और ये शुरू की जाए। भारत में इसका सबसे अच्छे चांसेस इसलिए कि भारत में जोत बहुत छोटी है और जो जनसंख्या ज्यादा है, तो रसायन मुक्त खेती का प्रयोग यहाँ हम कर सकते हैं। कृषि में विविधीकरण, पुराने समय से भी खेती में विविधीकरण की खेती होती थी, अब लगातार अब ऐसा हो गया कि लंबे लंबे बड़े बड़े खेत कर लिए और सारा मशीनरी का प्रयोग हुआ, विविधीकरण कम कर रहे हैं, तो फसलों का बदलाव बहुत जरूरी है। और एक मेड़ पर पेड़, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को फलदार वृक्ष भी हो, चाहे लकड़ी के इमारती लकड़ी के वृक्ष हो, कुछ ना कुछ वृक्ष जरूर अपने खेतों में लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण भी सुधरेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इस समय हम लोगों को अपनी अनुसंधान और शोध को थोड़ा सा करवट लेने की जरूरत है कि प्राकृतिक सिद्धांतों को नीतिगत करते हुए हम विज्ञान और तकनीकी के साथ में जोड़कर अब नए किसानों का, नए समाज का, नए वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस समय एक बदलाव की जगह है, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। जिस प्रकार से IPCC की रिपोर्ट और बहुत सारी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए हमको अपनी खेती को भी एक बदलाव की जरूरत है। जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है देश में, उनसे मेरे दो अनुरोध हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है देश में और किसानों की अस्तित्व को लेकर एक उभरता हुआ परिवेश है। साथियों, सभी FPO के प्रतिनिधि दो मुद्दों को अपने मन में जरूर बांध कर जाएं। एक तो टर्नओवर बढ़ाने के साथ साथ उन किसान परिवारों की आमदनी का भी आंकड़ा जरूर रखें कि हमने कितने परिवारों के साथ ईमानदारी से काम करके उनकी आमदनी बढ़ाई है। टर्नओवर अकेले बढ़ाए जाने से हम लोग कंपनी एक्ट की तरह तो बढ़ सकते हैं, लेकिन गांव की समृद्धि उसमें से नहीं निकलेगी। दूसरी बात ये कि जो जैसे कंपनी बढ़ेगी उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं उसका जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो कहीं राजनीति का, जेलसी का, या कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों का शिकार ना हो, ताकि बना बनाया तंत्र टूट जाए। कुछ लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो उसको चलाएंगे, तो मेरा एक निवेदन यह है कि उसके रेजोल्यूशन में भारत सरकार से भी कहिए, नाबार्ड के अधिकारी यहाँ पर है, मैं कहूँगा कि उसमें चुनाव प्रक्रिया को ना जोड़ दिया जाए, चयन प्रक्रिया को अपनाया जाए, क्योंकि चयन में योग्यता का मूल्यांकन होता है और जो मत का मूल्यांकन यदि होगा तो उसमें अनाड़ी लोग आएंगे और वो तंत्र टूटेगा और बिखरेगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस समय यदि हम लोगों ने अपनी सोच को बदला, तरीके बदलेंगे, जैविक खेती को लेकर अनुसंधान और शोध के साथ में जिस तरीके से IRI और ICAR ने विचार किया है और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पूर्ण तंत्र स्थापित हो, मैं तो ये कहूँगा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सिफारिश जानी चाहिए कि हम अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को उसके नीति और सिद्धांतों के साथ साथ
शोध और किसानों के साथ व्यवहार को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो इसमें संस्थान में एक अलग से इसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खोला जाए। हरिद्वार में या इलाहाबाद में कुंभ लगता है और वहां जाकर के हम गंगा जी में डुबकी लगा करके एक पुण्य प्राप्त करते हैं, तो वास्तव में ये पूसा संस्थान भी किसानों के लिए कुंभ का कार्य करता है। जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकगण किसान के साथ मिलकर के चाहे नई प्रजातियों के नई नई किस्मों के उत्पादन के लिए, पानी के संचय के लिए, जल आधारित कृषि के लिए, जिस प्रकार से चाहे हरित क्रांति की बात रही हो, श्वेत क्रांति की बात रही है या नीली क्रांति की बात रही है, तो हमारा संस्थान हमेशा हमारे वैज्ञानिक केवल ये चिंता और मंथन करते हैं कि हम किसान के साथ मिलकर के उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरक अक्षमता हम कैसे बढ़ाएं, उसके अंदर पशुपालन के साथ मिलकर के, अभी हमारे त्यागी जी ने चिंतन किया है बहुत बड़ा, हम फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें। सर, आज का एक चिंता का विषय सबसे बड़ा है, हमारा किसान पशुपालन से हट रहा है, जबकि पशुपालन का और किसान का एक बहुत बड़ा संबंध है। हमें दूध मिलता है, गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, जो हमारी खेती उसके बिना संभव नहीं है। हम किसानों के मन में कहीं ना कहीं जो हमारे नया यंग किसान हमारी तरफ कृषि की तरफ आकर्षित हो रहा है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात कि रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों से ही खेती संभव है, जबकि ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत विफलता का कारण होगा। तो हमारा संस्थान हमेशा हम कृषि विविधीकरण को अपनाएं, मिश्रित खेती करें, किस प्रकार से मित्र कीट का और शत्रु कीट का संरक्षण करें, कम से कम उन अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए जल संरक्षण के रूप में, पर्यावरण के रूप में, मिट्टी के स्वास्थ्य के रूप में, इन सब चीजों पर चर्चा करके हमारा किसान नित नई तकनीकों को अपना करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं और अपने देश को समृद्धता की ओर ले जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर मैं सभी तरह का काम करता हूँ, खेती भी करता हूँ, डेयरी फार्म भी है और मेरे पास प्रोसेसिंग का भी है और आरएस में भी काम करता हूँ। मैं कई तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ और आज से मेरे 25-30 हजार लोगों को ट्रेनिंग देके इस व्यवसाय से जोड़ा है जो आज करोड़पति है। तो उसके साथ साथ मैं थोड़ी सी कहानी अपने बारे में बताऊंगा। 1982 में मैंने ये काम शुरू किया था मछली पालने का, तो मेरे घरवाले भी नाराज थे उस टाइम, जबरदस्ती इस फील्ड के अंदर मैं आया था और इस फील्ड में आने की वजह से आज मेरे को पद्मश्री मिला है। वैसे ही मैं 100 एकड़ की खेती करता हूँ, तो उसमें 30 एकड़ में मेरा ब्रीडिंग का फार्म है और मैंने एक बाहर की टेक्नोलॉजी का कम जगह में कम पानी में एक टेक्नोलॉजी लगाई जिसको आरएस कहते हैं। तो वो आरएस इंडिया के अंदर मैं लेके आया था, तो इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं उसकी कॉपी करके और उसको एक तोड़ मरोड़ के एक नया नाम देके और उसमें पैसे कमाने का काम करते हैं, जिसका नाम जिन्होंने बायोफ्लॉप दिया था। जो बायोफ्लॉप था वो बिल्कुल ही फ्लॉप था, आज भी फ्लॉप है, कल भी फ्लॉप है। तो आरएस टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर आप मछली का काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है और उसको तरीके से किया जाए। तो उसके साथ साथ मैंने प्रोसेसिंग का भी किया था, तो प्रोसेसिंग का भी मैंने कम से कम उसमें 20-25 लोग मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर लगाए हुए हैं। तो मैं साल में उससे भी मैं 2-2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करता हूँ और उसके साथ साथ मैंने अपने खुद का एक ब्रांड बनाया है जो आज मार्केट में फिश बाइट के नाम से है, जैसे KFC और मैकडोनल्ड से है। मैं इस लेवल के ऊपर उसको ले जाना चाह रहा हूँ, आने वाले 5-7 साल के अंदर मेरा एक फिश बाइट का ब्रांड पूरे इंडिया में आउटलेट होंगे। तो इसके साथ साथ मैं निदेशक साहब को एक पॉलिसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो हमारे लिए वो जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए बहुत जरूरी है।
जो मार्केटिंग है इसकी, आज तक हम मार्केटिंग नहीं कर पाए। किसान प्रोड्यूस तो कर देगा, प्रोडक्ट भी बना देगा, लेकिन उसको बेचना नहीं आता। बेचने की जो हमारी प्रतिक्रिया है, जो हम उसके अंदर जा रहे हैं, तो हमारा जो ICR है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसमें एक अलग से पॉलिसी बने, जो इंडस्ट्री हमारी रूरल के अंदर इंडस्ट्री कम चल रही है, जो लॉस में जा रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम एक नए बजट के साथ लेके आए। तो क्योंकि पहले जैसे हमने हमारे पोल्ट्री का था, पोल्ट्री के अंदर अंडा बहुत लोग कम खाते थे, तो अंडे की एक ऐड आई थी, रोज संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो धर्मेंद्र ने जब उसकी ऐड शुरू की, तो आज टिफिन के अंदर सभी बच्चों का एक आमलेट के रूम में अंडा सुबह नाश्ते में जाना शुरू हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ, मछली का भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे कुपोषण बच्चे हैं जिनको प्रोटीन नहीं मिलता, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है। प्लानिंग कमीशन के अंदर ये चीज आपने हमारे वीकली या 10 दिन में एक दिन भी अगर हम स्कूलों में बच्चों को ये चीज दे, तो उसकी मार्केटिंग भी होगी और उसका प्रोडक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिसी लेके आए और वो बनाए। धन्यवाद।